गाइस शुड वी स्टार्ट? चलो गाइस, ये हल्का सा पैराबोला अपन जहाँ पहुंचे थे ना, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपन। पॉइंट्स ऑन द पैराबोला ये पढ़ चुके अपन है। है ना, अगर कोई भी पॉइंट्स ऑन द पैराबोला लेना है तो या तो अपन लेंगे जैसे y = 4ax से। सपोज मैंने x पॉइंट ले लिया x1, तो ये क्या होगा? देखो y = 4ax1, तो क्या होगा? y = 2√ax1। तो या तो ऐसा लिखो 2x1, ये पॉइंट हो गया p। यस, है ना बेटा? ओके, सिंपल सा है। ओके, या अगर लेट अपन ने उसको y1 ले लिया पॉइंट को, तो y1 square is equal to 4ax, तो x के लिए क्या जाएगा? y1 square upon 4a, we can write y1 square upon 4a comma y1, ये एक तरह से पॉइंट हो गया p, है ना? ओके, या अपन बोलते let p point is equal to t, sin on कर दो, हो गया, है ना? तो अब ये क्या होता है? देखो बेटा, ये होता है at square comma 280 पैरामेट्रिक। हम बार बार पढ़ चुके हैं इसलिए इसको याद रखना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। बोलो हाँ, दिस कॉल्ड द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। यस, हाँ तो बोलो। यस सर। अब अपने पास आता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। देखो अब इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे पास कोई पैराबोला, ध्यान सुनना बेटा, है ना? अब अगर मैंने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, जैसे एक पॉइंट ले लिया ए बी, है ना? तो ये इसकी कॉर्ड हो गई। यस बेटा, तो सपोज ए पॉइंट है y1 एंड बी पॉइंट है y2, है ना बेटा? तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड सीधे सीधे क्या हो जाती है, ध्यान सुनना, y इंटू y1 प्लस y2 माइनस 4ax माइनस y1 इंटू y2। ये आपको याद रखना है एज SMT, इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड अगर आपके पास पॉइंट है तो। यस, याद रखना है। और इसी इक्वेशन का T1 फॉर्म हो, मतलब एक ये T1 पॉइंट हो, ये T1 और T2 पॉइंट हो, तो ये क्या जाती है, y T1 प्लस T2 माइनस 2x टू ए T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 0। गाइस इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, तुम बोलोगे सर कैसे आया, तो देखो समझा देता हूँ। जैसे एक P पॉइंट क्या था, 80 स्क्वायर कमा 280, Q पॉइंट की जगह 80 स्क्वायर कमा 280। अब ये 1-1 है बेटा, तो ये 2-2 हो जाएगा। यस, इक्वेशन की y माइनस y1 इंटू x माइनस x1, ऊपर क्या था बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे सिंपल है, 2 पॉइंट फॉर्म। अरे बोलो ना, हाँ। अभी y माइनस 2a t1 को ऐसे ही रहने दिया, इक्वल टू ऊपर से 2a कॉमन ले लिया, तो 2a इंटू t2 माइनस t1, वैसे a तो t1 इसका t2 इंटू t1 प्लस t2 इंटू x माइनस t1 का स्क्वायर, ये t2 माइनस t1 कैंसिल हो गया, है ना? ये 2-1 आएगा, ये कैंसिल हो गया, है ना? ए से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या देखो, y इंटू t1 प्लस t2 माइनस 2a t1 इंटू t1 प्लस t2 2x माइनस at1 स्क्वायर। कहीं देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये इसी इसी को सॉल्व करके बनाया है, कुछ नहीं किया। ये हो गया आपका y t1 प्लस t2, है ना? देखो 2a t1 square minus 2a। एक मेरा क्वेश्चन था,
ये जो अपना हाँ पैराबोला होता है ये कभी नुकीला हो सकता है क्या? नहीं बेटा, शार्प नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? स्क्वायर आता है ना, स्क्वायर हमेशा कर्व होगा। अच्छा स्क्वायर तो आएगा ना नुकीला तो स्क्वायर, लेकिन क्या इक्वेशन जरूरी मॉड है? आता है, मॉड आना चाहिए, मॉड आना चाहिए, मॉड। अच्छा तो मॉड के लिए अपने को ऐसे आईआईटी के सिलेबस में नहीं है क्या कोई चीज? नहीं नहीं बेटा होता है ना। देखो ये जो मैंने ऊपर इक्वेशन दिखाई है ना, ये आ गई इक्वेशन ऑफ, ये दिखाई थी वाई टी वन प्लस टी टू माइनस टू एक्स। ये जो इक्वेशन आपको लिखा है ना बेटा, ये आ गए माइनस टू ए टी वन। यस बेटा, इजिकल टू जीरो। ये इक्वेशन ऐसे आई है, तो या तो इसको आप याद रखो इक्वेशन आपका। अरे समझ में आ रही है ना बात मेरी, टी वन प्लस टी टू माइनस टू एक्स टू ए टी वन टी टू। अरे यस, तो ये सिंपल, या तो आप याद रख लो या फिर आप करो। सिंपल है ये हम जो पढ़ते ना, वाई वाई माइनस वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन। उसके बाद केवल सिंप्लीफाई किया है, नथिंग, टू पॉइंट फॉर्म होता है वो किया और कुछ भी नहीं किया। अरे बोलो हाँ चलो। तो अभी एक ये और बात हाँ, पूछनी थी। हेलो, ये बाकी सब कॉपी करते जाओ, जब तक ये पूछ रहा है। प्लीज राइट ऑन एवरीबॉडी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। हाँ बोल बेटा। ऐसे पूछ रहा था, आप सर पढ़ा तो इतना ज्यादा है पर सर इतना कंटेंट हमारे लक्ष्य के जो आपने हमको बुक दी उसमें बिल्कुल भी नहीं है। बेटा बिल्कुल है, उसमें पढ़ो, उसमें बुक टॉपिक क्वेश्चन टॉपिक। अच्छा सब लोग याद रखो, जिसको मटेरियल नहीं बनाया वो सैटरडे को आके स्टडी मटेरियल ले सकता है। हम लोग सैटरडे को कुछ मटेरियल देने वाले हैं। हाँ तो संडे को जिनको नहीं नहीं मिला वो चलेगा? सैटरडे को 9 to 12 के बीच में आके मटेरियल ले सकता है बेटा। ये सब है। और संडे वैसे को नहीं मैं चलेगा क्या? तुमको, हाँ और वैसे मैं तुमको एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा मटेरियल एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो पढ़ाता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा दे देता हूँ। नहीं मटेरियल कुछ जैसे देखो नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना तो है पर आप जब पढ़ाते हो उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा रहता है वो सब मटेरियल में नहीं है। ये एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना बेटा अपन। तो एडवांस का अपने पास मटेरियल नहीं है? नहीं, मटेरियल है, ऑब्वियस ही बात है, जो थ्योरी पढ़ाऊंगा वो क्लासरूम में पढ़ाने में थोड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी ना। मटेरियल तो कोई भी यूज करके पढ़ लेगा उसको, समझे कि नहीं समझे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको क्लास के अंदर मिलेगा ना, सब कुछ अलग अलग से। अच्छा तो सर हमको मटेरियल तभी किस्तों में मिला, पूरा कब तक मिलेगा? ना हाँ, मटेरियल तो हमको किस्तों में मिला, पूरा कब तक मिलेगा? पूरा मिल तो जाएगा अभी। जैसे अभी सैटरडे को जिसको जो मटेरियल थे वो एक्स्ट्रा के ले सकता है। नहीं ऐसे जैसे संडे को नहीं आ सकते सैटरडे के बजाय? संडे को स्कूल बंद है ना, अच्छा ऑफिस से स्कूल लेने में का। क्या? गाइस प्लीज राइट डाउन पास, इक्वेशन ऑफ कार्ड इंपॉर्टेंट है। डन। गाइस डन। वाई टी वन प्लस टी टू माइनस टू एक्स ए टी वन टी टू। अरे डन। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है। हो गया बेटा। अरे यस नो तो बोलो लॉर्ड साहब। हेलो, कोई सुन रहा है? कुलदीप, है सर, जिंदा है जिंदा है। बोल क्यों नहीं रहे हो? हो गए ये, चलो हाँ नेक्स्ट पॉइंट देखो।
देखो बेटा, अब इसी कॉर्ड को आज SMT और उसका प्रूफ कर रहा हूँ। इसी कॉर्ड को अगर आपका इफ योर कॉर्ड जो है पासिंग थ्रू फोकाई कर दे हम, इफ योर कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकाई, फोकाई आपके पास हो गई मतलब क्या, अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, फोकाई क्या बेटा 1,0, तो वो फोकल कॉर्ड हो जाएगी। अरे यस है ना, तो देखो बेटा याद रखो बहुत सिंपल है, या तो बोलो y1 y2 इज इक्वल टू -4a² ये कंडीशन होती है, और अगर t2 में है तो t1 t2 इज इक्वल टू -1, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ अ कॉर्ड इज ए फोकल कॉर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ नहीं बेटा, ये जो तुम्हारी कंडीशन थी ना कौन सी थी तुम्हारी, y t1 + t2 -2x - a t1 t2, और यही आपकी कंडीशन है ना, यही आपकी इक्वेशन है बेटा। ओके अब अगर इसको मैं पास करा दूं 1,0 से, एक्स इक्वल टू हो गया ए और वाई इक्वल टू हो गया 0, तो क्या बेटा 0 t1 + t2 -2x की जगह ए -a t1 t2, ये तो हो गया 0, तो -2a = a t1 t2, तो ए कैंसल, तो ये आ गई आपकी t1 t2 = -1 आना चाहिए, मैंने 2 कहाँ चला गया, हाँ सॉरी यहाँ मैं 2 लिखना भूल गया, मैंने तो -1। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, t1 t2 = -1, योर कार्ड इज ए फोकल कार्ड, अगर आपके कार्ड फोकल कार्ड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट डाउन दिस, इतना इतना ब्लैक ब्लैक कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट है। अ कॉर्ड विल बी अ फोकल कॉर्ड इफ, अरे सबको समझ में आ रहा है ना बेटा, अब फोकल कॉर्ड में वाई वन वाई टू -4a² हो जाता है और t1 t2 - 1 हो जाते हैं। अरे यस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए ये बॉक्स वाला कॉपी करना, दिस ओनली, यस देखो गाइस कुछ नहीं होता, इसको कैसे यूज करेंगे ध्यान सुनो सब लोग, एक पैराबोला आएगा, सपोज एक कॉर्ड आ गई है, ये पॉइंट T1 है, ये पॉइंट की जगह 80² - 280, अब ये क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर 82² होगा ना, अब फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 = -1, तो t2 = -1/t1, ये कोऑर्डिनेट क्या जाएगा देखो, ए इंटू t2 के लिए क्या -1/t1 होल स्क्वायर - 2a -1/t1, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा आपका a/t1² - 2a/t1, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी मीन्स दिस बी और दिस इज योर ए, यस तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो गया 80² t a 2 a 1, और ये हो जाएगा आपका दिस सब, यस अरे बोलो ना, हाँ है ना, फॉर फोकल कॉर्ड, अरे यस अरे समझ में आ रहा है, यस नो तो बोलो, आज तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या हुआ, लाट साहब इतने धीरे आवाज क्यों आ रही है बेटा, ये बहुत काम की चीज पढ़ा रहा हूँ, ये एडवांस लेवल है, मेंस भी नहीं है, अगर कोई पॉइंट, गुप्ता जी क्या हुआ आज, देखो 81 पॉइंट दूसरा 82 होता है, t2 की जगह मैंने क्या किया 1/t1, t2 की जगह 1/t1 रख दिया, इसको सॉल्व किया तो a t1 स्क्वायर और a2a t1, अरे यस गाइस डन,
चलो देखो, ये सब हम पढ़ चुके हैं। बस शॉर्टली फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। देखो यस डा, सर। कहाँ हो गए गुप्ता जी, आज इतने धीरे बाद आवाज क्यों आ रही है? देखो डा, अगर हमारे पास, देखो ये हम पढ़ चुके हैं। देखो बेटा, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और पॉइंट x1 y1 है, तो सर ने क्या था, वाई को लिखेंगे वाई बाय वन, 4ax क्या x+x1/2। तो अगर मैं इसको प्यार से देखूं तो क्या होगा, वाई बाय वन इज इक्वल टू 2a(x+x1)। यही तो आपकी इक्वेशन हो गई, वाई वन 2x+x1। अरे यस गाइस, यस सर। हाँ लाड साहब, बिल्कुल वेरी गुड। अच्छा पॉइंट, अगर मैंने पी को x1 y1 की जगह क्या ले लिया, सर आवाज नहीं आ रही। स्नेहा मेरी आवाज नहीं आ रही है? नेटवर्क चेक कर। मेरी आवाज, किस किस को आवाज नहीं आ रही है बोलो? सर मेरे में अटक अटक कर आ रहा है, लेकिन मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए। नहीं सर, हाँ यार, मेरा नेटवर्क इश्यू है। अच्छा, ये हो गया। देखो एक्स को x1 लिखा, x x1, y y1। अपना एक पॉइंट क्या था, एक्स का था x+x1/2, वाई का था y+y1/2। तो हमने क्या किया, देखो डाम को पता ना कैसे रिप्लेस करते, तो हमने क्या किया, देखो बेटा ध्यान सुनो, वाई इक्वल 4ax है, तो हमारी इक्वेशन क्या देखिए, देखो बेटा वाई बाय वन इक्वल टू 4ax+x1। तो क्या देखो, वाई बाय वन की जगह क्या जाएगा बेटा, y 280। और x+x1 कितना आ गया बेटा, अभी x1 अपना क्या 80 स्क्वायर। यस, तो ये देखो हमारे पास क्या है, 4 से कैंसिल, a कैंसिल, तो yt = 2x+80 स्क्वायर। अरे यस, y 2 है, तो यहाँ पर केवल 2 बचा। ओके गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, yt = x+80 स्क्वायर। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल रट डालो, 10 बार लिख डालो। 8 point p of t, इसका मतलब था 80 स्क्वायर कॉमा 2at। यस, ये पॉइंट हो गया। यस, यस सर। है ना, याद रख लो, ये बार बार काम आएगा, yt = x+80 स्क्वायर। और इसमें एक और पॉइंट याद रखना, देखो बेटा ये मैं बार बार बोलूंगा आपको, काम दिमाग का, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा ना, जो होता है वन अपॉन टी, नहीं सॉरी, वन अपॉन टी है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/t, बहुत काम आएगा। अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, उत्सव से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसको उल्टा कर दो। अरे यस, माइनस सी हो जाएगा ना। अच्छा वाई की वैल्यू क्या होती है, देखो अगर हम बात करें तो हमारा पॉइंट क्या होता है, देखो x1, देखो ध्यान सुनो बेटा, जो x1 y1 पॉइंट होता है उसी को आप 80 स्क्वायर कॉमा 280 लिखते हो। देखते से आपका x1 होता है 80 स्क्वायर और y1 होता है 280। यस, तो y1 मतलब इसको मैं लिख देता हूँ, अरे यस ना बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a/y1, सॉरी y1/2a। देखो ना t की वैल्यू क्या हो गई, देखो बेटा यहाँ से t की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 2a/y1 हो गई ना। अरे यस, या 2 स्क्वायर के लिए a/x1 हो गई। अरे हाँ बोलो ना यार, टी स्क्वायर के लिए यस सर। x1 यस सर। नहीं, गलत हो गया ना, x1 अपॉन a आएगी।
दूसरे में y1 upon 2a. नहीं 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 t is equal to y1 upon 2a. हाँ y1 upon 2a. y1 upon 2a. तो y1 upon 2a तो ये क्या जाएगी उठता है 1 upon t तो 2a upon y1. Yes. T की वैल्यू रख दी और माइनस t. माइनस t मतलब क्या वैल्यू हो गई? माइनस t मतलब कि माइनस y1 upon 2a. अरे याद रखना ये इम्पोर्टेंट है. स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 अपॉन टी होता है टी की टर्म में और y1 में होता है 2a अपॉन y1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस टी या माइनस y1 अपॉन 2a. गाइस प्लीज राइट डाउन करो. तो इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दिखाई मैंने आपको, पता नहीं है ये जेई के अपने आप में क्वेश्चंस है. इटसेल्फ अ बिग बिग क्वेश्चन है ये बेटा. ये कॉपी करो तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल. Slope of tangent, slope of normal. Yes. नाउ गाइस ध्यान समझो. अच्छा एक चीज अपन ने छोड़ दी इसमें, एक और थी पॉइंट. देखो बेटा ये याद रखो, अगर ये हम सब पढ़ चुके हैं. इफ एम इज द स्लोप, इफ एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो आप ये ध्यान सुनो प्लीज सब समझना. लेट पैराबोला हो गया y इज इक्वल टू 4ax, टेंजेंट हो गई y इज इक्वल टू mx plus c. देखो गाइस ये प्रूफ करा रहा हूं जो मैं कई बार बता चुका हूं फिर भी. अब देखो बेटा अगर ये लाइन इसकी टेंजेंट है तो देखो y स्क्वायर की जगह जब मैं इसको रखूंगा mx plus c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गई इन x. अरे यस अब देखो अगर ये टेंजेंट है, देखो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. ध्यान समझना बेटा अगर ये टेंजेंट है तो देखो पहले तो इसको मैं प्यार से लिखूं, तो देखो बेटा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a इनटू x प्लस c स्क्वायर 0. अब बेटा अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा देखो बी स्क्वायर मतलब 2mc माइनस 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac. गाइस देखो प्लीज ध्यान से सब समझो है ना. अब मैंने क्या किया बेटा ध्यान सुनना बेटा, मैंने क्या किया बेटा डी था इसको सॉल्व कर देखो 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4mca माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको इधर लेके इज इक्वल टू इधर लेके आया डिस्क्रिमिनेंट लेके आया. अब देखो बेटा ध्यान सुनो बेटा अभी जो डिस्क्रिमिनेंट है इसमें से 4 हटा दिया तो m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4mca. अब देखो बेटा फॉर टेंजेंट याद करो, फॉर टेंजेंट डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, तो मैंने ये देखो माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर एम सी ए इक्वल टू जीरो. अरे यस और नो? तो देखो फोर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फोर एम सी ए, तो फोर फोर कैंसल एक सी ए से एक ए गया तो हमारे पास ए इज इक्वल टू एम सी. गाइस दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. देखो बेटा डी लेस देन जीरो, डी इक्वल्स टू जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो, दिस इज अ कंडीशन ऑफ टेंजेंट जब डिस्क्रिमिनेंट ये होता है ना बेटा. ओके जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, सब लोग समझ रहे हैं ना बेटा,
जब हमारे पास टेंजेंट, ये तीन कंडीशन होती है ना, अगर टेंजेंट होगा डिस्टेंस जीरो होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आउटसाइड लाइन हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगी कॉर्ड हो जाएगी। अरे यहाँ पे वन पॉइंट हुआ ना बेटा, देखो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पे नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अरे यस ना बेटा, चल देखो बेटा यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या आ गई बेटा, ए इज इक्वल टू एम सी आ गया। अरे यस, यहाँ पे क्या देगा बेटा, ए इज लेस देन एम सी आ जाएगा और यहाँ क्या देगा बेटा, ए इज ग्रेटर देन एम सी आ जाएगा। अरे यस, ए इज लेस देन एम सी, ए इज ग्रेटर देन, और ये बार बार मैं बोलूंगा सी इज इक्वल टू ए बाय एम, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सी इज इक्वल टू। अरे यस गाइस, देखो सब लोग ध्यान समझो, तो क्या बच्चे आज बोल ही नहीं रहे, कुछ मजा नहीं आ रहा है। देखो अगर आपके पास एम स्लोप ऑफ टेंजेंट हो तो लेट कोई भी कोनी को हम मान लेते हैं वाई फोर एक्स, सब लोग ध्यान सुनना, और वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी है, उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अब सर ने बताया था अगर टेंजेंट है तो क्या करो, वाई में इसकी वैल्यू रख दो, तो वाई की वैल्यू मैंने रख दी एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू फोर एक्स। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में बनी, इसको खोला आपने तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू सी टू एम सी एक्स इधर माइनस फोर एम एक्स, इसको खोला एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इसको इसको टू एम सी एक्स को एक्स का कॉमन ले लिया और सी स्क्वायर। अब ये पूरी आपके पास क्या बन गई, देखो बेटा दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा ध्यान सुनो, तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसके अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सॉरी ए सी। तो अब ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे थोड़ा सॉल्व किया तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई दिस। अब देखो बेटा अगर देखो ध्यान सुनो, अगर दो दो वैल्यू निकलेगी एक्स वन एक्स टू या तुम बोल सकते हो अल्फा बीटा, अगर वो टेंजेंट होगी तो अल्फा इक्वल टू बीटा निकलेगी, और अगर वो आउटसाइड लाइन होगी तो अल्फा बीटा जो है वो इमेजिनरी निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है याद करो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो इमेजिनरी रूट्स, यहाँ पर क्या देगा बेटा दो रूट्स निकल रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पर एक निकल बेटा डिस्क्रिमिनेंट जीरो। ये कंडीशन होती है टेंजेंट की, ये कॉर्ड की और ये आउटसाइड लाइन की। अरे यस और नो? हाँ बेटा, देखो ये अगर हम देखे तो मैंने वही लगाया क्या, डी लेस देन जीरो, d equals to zero और d greater than zero, d less than zero है outside line, d equals to zero है तो tangent और d greater than zero है तो chord, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, है ना बेटा। अब अपन ने क्या किया, ये अपनी condition a is equal to mc, a is equal to और ये greater, अरे yes, ये आपके पास condition important है, याद रखो ये एस एम टी आपको याद रखना है, एस एम टी इफ एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो उसमें सी की वैल्यू होती है ए बाय एम, तो याद करो ये हो गया वाई इज इक्वल टू फोर ए एक्स एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। गाइस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर आपको याद रखना है तो वो भी बहुत सिंपल है, a by m square comma 2a by m, कैसे सबको समझ में आ रहा है ना। चलो ये इतना इतना कॉपी करो तो कमांड फास्ट ये येलो येलो डर्टी पहले कॉपी करो प्लीज, आई डोंट एसएमटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएमटी इफ एम इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देन ये कंडीशन होती है हमेशा याद रख लेना सी इक्वल टू ए बाय। प्लीज आई डोंट गाइस, इफ एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भूल जाते हैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ, एक बार ये पढ़ा चुका हूँ।
m slope given ho, so we can find out the equation of tangent y is equal to mx plus c, c is equal to a by m. Point of contact. Please iron fast. Please write down fast. Guys done. चलो अभी अगर हमारे पास दूसरा वाला कर्व आ जाए, देखो अब हमारे पास दूसरा वाला एक्स का फोर ए आ जाए, कोई मतलब नहीं है, वो y is equal to mx plus c की जगह x और y को आपस में रिप्लेस कर दे, x को y से और y को a से, तो वहां होती थी y is equal to mx plus a by m, तो यहाँ क्या हो जाएगी x m वैसे y plus a by m, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस x को y से रिप्लेस कर दिया, है ना। वहां पॉइंट क्या होता था बेटा, याद करो a by m square comma 2a by m आपस में रिप्लेस करोगे तो ये 2a by m comma a by m square, जाइज आवाज आ रही मेरी, हेलो गाइस, देखो बेटा देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, इंपॉर्टेंट वन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एसएमटी में लिखना। गाइस कैन यू हियर मी, देखो सपोज एक ये टेंजेंट है टी वन पॉइंट पे और एक ये टेंजेंट है टी टू पॉइंट पे, उत्सव आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बोल के नहीं रहो, देखो यार बोलो बोलो, ये टॉपिक थोड़ा थ्योरी है। देखो अगर हमारे पास टी वन टी टू दो पॉइंट, एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, उस पे अपने पास टेंजेंट्स हैं और वो आगे जाके किसी किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पी क्यू आर पे इंटरसेक्ट करती है, इसको ले लो पी और इसको ले लो आर, है ना, एट आर टी वन एंड क्यू टी टू आर
टू टेंजेंट्स, है ना? कि अगर ये बेटा इंटरसेक्ट करी है, इंटरसेक्ट एट पी, पी पे इंटरसेक्ट करी है सब, है ना बेटा? ओके, तो याद रखो अगर इसके कोऑर्डिनेट टी के कोऑर्डिनेट, आर के अपन मान लो सपोज है टी वन, मतलब एक्स वन वाई वन, एंड क्यू के मान लेते अपन टी टू, एक्स टू वाई टू, तो याद रखो बहुत सिंपल है, आपके जो पी पॉइंट होंगे वो बहुत सिंपल होंगे, वाई वन वाई टू फोर ए, वाई वन वाई टू फोर ए, वाई वन प्लस वाई टू अपन टू, नहीं भूल गया, हाँ यस अपन टू, है ना बेटा? ये आपको याद रखना है, है? या टी में होगा तो ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे विल आस्क ए टी वन टी टू, ए टी वन टी टू ए कॉमा टी वन प्लस टी टू, गाइस